आज तक तू जवन कुछ भी कैले बाड़ा ना नागेश, उस सब के हिसाब हम ले। हमरा घर में आग लगा देना, हमरा बाबूजी के जिंदा लाश बना देना, हमरा के घर से बेघर कर देना। अरे हमरा के तो भगवान से भी विश्वास उठ गई। अब जवन कुछ भी करब हम करब नागेश, सुन ला, हम करब। हम आज के नारी हई, अकेले सती न होई। अगर हम जरब तो सब कुछ जला के राख कर दी। बिटिया माफ कर दे, ऐसा ना कर, तू हमारी बेटी जैसी मार। बिटिया हम माफी मांगते, हम गोल लगाता नहीं, माफ कर दे बिटिया। बिटिया जैसे नागेश हमारा बेटा बा वैसे तू हमारी बेटी बन। हम तुम दोनों के एक संगे न हो सकेगा। आज हम अपने आप के बहुत लाचार महसूस करता, हम तो अपनी जिंदगी शेर है तोरा के सामने पूरी जिंदगी पड़त बा। अगर सजा देवे के बा हमरा के दे, डाल दे तेरा एहसान हमरे ऊपर और लगा दे आग। बस हम हजूड़ता नहीं, ऐसा ना कर बेटा, अपना और हमारा बेटा माफ कर दे। ठाकुर साहब अब हाथ मत जोड़ी, हमरा के मत रोकी, रोने का हमरा हमारा परिवार के साथ का न कैलस। हम मर के भी बस एक जिंदा लाश बानी, हमारा आत्मा तो कब के मर गई, बाकी खाली देह बचल बा, ओकरा के हम खुद जला दे, बाकी साथ में पापी के लेके। ना बिटिया ना, हम तो हर गोट पर गिरता नहीं, माफ कर दे। रोवा लेका हमरा हमार परिवार के संग का न कैलस, हमरा बाबूजी के सबके सामने अपमान कैलस, हाथ डबलस, हम एकरा पैर के सामने गिर गिरवनी के हमरा बाबूजी के मत मारा मत मारा, लेकिन ये एक बात न मनलस तो हम राउर बात काहे सुनी काहे। बाकी ठाकुर साहब राउर लेका और हमरा में फरक बा, और ये दुनिया में पिता से बढ़कर कुछ ना होला, बस यही खातिर तहार सम्मान के खातिर हम इकरा के छोड़ो तानी। नागेश तू बहुत खुश किस्मत बाड़ा जब तहरा के ऐसा पिता मिलल, खाली इनकरा के खातिर हम तहरा के छोड़ा तानी। कहाँ? सांत जी, बस मैं पूछा इलवनी की रितु जी जाइल पड़ी क्या? तो और इतना हिम्मत? शादी में इतना हंगामा कैला के बाद फिर मुंह उठा के घर में चले इला? अरे तोरा से पहली बार मिल रहे ना, तब है हमार छठी इंद्री आवाज देत रहे कि तय आदमी ना चला फिरत पनौती बाड़े, और चल निकल यहाँ से, हमने के परेशान मत कर, चल। देखिए हम आप लोगों के परेशान नहीं करे जात, और ना ही हमारा मकसद बैठे परेशान के लगे, बस हम रितु जी के ढूंढा था नहीं, ना जाने वो कहाँ चल गई बड़ी। हम उनकर से मिले थे गिरे नहीं, लेकिन वो अपना कमरा में रहे, हम ही सोचने कि वो बहुत परेशान रह, बुझेल कि आप लोगों से मिले खती आई लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के बिनती बैठे कि बस हमारा के ये बता दी कि रितु जी जाइल बनी खाए, हम जैसे तुरंत आप चल जाए। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू एक नचनिया बाड़े और रितु तोहार पत्नी है,
अब ओकर रिश्ता ई घर से नहीं खे। ऐसे खानदान से हमनी के कोनो रिश्ता ना बा। इससे पहले कि हम तोरा के धक्का मार के जैसे निकाल दी, चल जो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। ये कुल के जरूरत ना पड़ी आपके, सब करा से हम हाथ जोड़ के विनती कर देनी। कितना रात हो गई रितु जी नहीं ही मिला, तो बस इतना बता दी कि रितु जी बाड़ी कहाँ है। इतना बता दी रितु जी कहाँ बड़ी। आप लोग उसे मिले खाते जाए रहने की नहीं। हाँ वो दीदी चुप। एक आवाज ना, और इस ससुर के नाती ऐसे ना मानी। चौकीदार, ए चौकीदार, अरे कहाँ मांगे लड़े? ओकर की जरूरत ना पड़ी, हम बस खाली हम पकड़ कर धक्का मार बाहर निकल। भैया बस हमें तने पूछल चाहते नहीं कि रितु जी जा बाड़ी का बस। अरे ले जाए करा के बस खाली। अरे हम कुछ ना सुने जाए भग। पता नहीं माई कहाँ चल गई। बाबूजी माई के कहीं से भी ढूंढ के लावा। अरे चुप कर। माई कितना याद आता तोरा के, तो अपन सामान बांध और भोरे निकल जो नानी के घरे। और जे गेल होई हूँ और कहाँ जाई। जब भी हमरा से लड़े ली, गुस्सा होली, तो अपन माई के ही भाग के जा ली। तू भाग अपन माई के घर जो। बबुआ जी, रवा के रजू के ई सब ना बोले के चाहत रहे। ई जे कुछ भी भइल ठीक ना भइल। ऊपर से मिथिलेश और रितु कहाँ बाड़न का मालूम। मिथिलेश के रितु मिलल की ना ई भी ना पता। ई सब का हो रहल बा हमरे घरे। घर के अंधकार कब दूर होई? कुछ समझ में नहीं क्या। हम तो हालात से मजबूर बानी ना, तो ऐसन मुसीबत के घड़ी में हम जरूर बाहर जाके मिथिलेश और रितु के पता करती। भगवान जाने कौन हालत में होवे, कहां होवे। पर आप भरोसा रखी भाभी, हमरा तो पूरा यकीन बा कि मिथिलेश रितु के ढूंढ के जरूर ले आई। और रहल बात रज्जो के, तो खुदे घर छोड़ के गेल बा, खुदे आ जाई। हे तुलसी मैया,
हमर घर परिवार पर अपन दया दृष्टि बनेले रखी मैया। हमर पूरा परिवार के सही सलामत घर लौटा दी मैया, घर लौटा दी। ये लोग तो आपस में ही परेशान हो, पर मिथिलेश भैया की शादी होवे से एक काम तो हमार आसान हो गई कि अब हमार गौना तो कौनो हालत में ना हुई। अब हमार शहर जाए का रास्ता और आसान हो गई। पर ना जाने वो पवन कहवा बा, काल से ओकर फोन भी बंद बा। पता नहीं डरपोक के जैसन कहवा छुपल होई। रितु जी, रितु जी हाजी हो जैसे, रितु जी। रितु जी होश में? रितु जी कहाँ करत रहनी? रितु जी कहाँ कर जाते नहीं आप? अगर हम समय पर आई थी तो गाड़ी वाला मार के चल जाता आपके। रितु जी होश में आई? रितु जी होश में? रितु जी होश में आई? रितु जी संभालिए अपना आपके, संभाली अपना आपके। क्या बात है तू? रितु जी हुआ के कहां कहां ना ढूंढ, आप बिना बतौले कैसे चले नहीं? आपके जुहे खातिर सबके ऊपर परेशान हो जाए। घरे सबके इंतजार करता रितु जी, और देखी ना आप मिलने भी तो कहां मिल, ऐसा ना जगह पर जहां पे एकदम सुनसान केहू नहीं खेज। आप चली घरे ला, गिर जाते नहीं हम तारा गोड़। अगर हमरा झुकला से केहू के परिवार के जिंदगी बचा तक तो यह सही। तू जौन हमरा के सजा देव तो और हमरा मंजूर बने, लेकिन हम तारा से हाथ जोड़ के विनती करते कि रितु जी के परिवार के छोड़ दे। जे हुई ना बात, शादी तो अब हुई, तेरा शादी इन चनिया से हो के रही। हमरा ब्याह के दिन भी तू हमरा के बचावे की कोशिश कर रहा, और देखा का हुई गेल हमरा। हमार जिंदगी तबाह हो गईला, और आज फिर से हमका बचावे आ गईला तू। काहे बचेला हमरा के, आखिर हम तो और का लागे ली। रितु जी हमार बात तो सुनिए, बार बार तू हमरा जिंदगी में काहे चला बेला, छोड़ दा हमरा के हमार हाल में। अब कुछ नहीं है बचा हमारी जिंदगी में, सब बर्बाद हो गए। हमारे घर वाले हमरा के धक्का मार के हमरा के निकाल दे। रितु जी हमारे बस एक मिनट बात सुन ली, हमारे बाबूजी, हमारे परिवार सब क्यों हमरा से दूर हो गए ला? सब क्यों? कुछ नहीं है बचा हमारी जिंदगी में। रितु जी हमारे सब सपना टूट गए, सब सपना टूट गए। जाने लो सपना के टूटल का होला, खुला आंख से कबो देखेला सपना तोरा के मालूम बा अपना लोगन से बिछड़ के का होला, कुछ पता बा तोरा के? छोड़ दे हमरा के, निकल जाए जा से। हमरा के तोहार सहानुभूति की जरूरत नहीं, के निकल जाए जा से, निकल जाए जा से। दोबारा हमरा पीछा मत करा, निकल जाए जा से, निकल जा। रितु जी बात समझ, रितु जी, रितु जी होश में आई, रितु जी, रितु जी, रितु जी होश में आई। रितु
चाचा जी। प्रीति लगा तो भैया के एक बार और फोन लगा। माँ ये मुनकरा के बहुत बार फोन करनी पर भैया के फोन ही बंद बा। भाभी अब ऐजा बैठला से कुछ ना होई। अब वैसे भी सवेरा हो गई बा, हम खुदे बाहर जाता नहीं और मिथिलेश और रितु के पता करता नहीं। आप तरी जाके आराम कर ले। चला गोपाल हमरे साथे चला। सुन ली, जब तक माई ना आई तब तक हम कहीं ना जाए। अच्छा काहे ना जावा, करम कुटवाए जा, चुपचाप चल। छोड़ी जाए दी ओकरा के। ठीक बा भाभी, हम अकेले जाता नहीं। बबुआ जी मत जाई, रह दे ओकरा के, पता ना काहे हमार मन नहीं खे मानत। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करी, हम जल्दी वापस आ जाए। कुछ तो बोला, रितु कहाँ चल गेल रहले और ई बेहोश कैसे हो गई? सब बताओ तेंचे से। प्रीति भाग के जाके पानी लेके आओ। रितु जी, रितु जी आँख खोले। रितु जी भैया आँख खोले। रितु जी बतलाई मैं रितु जी अपना गांव के बहरी जो उनका कच्चा रास्ता बाटे ना वही पर अकेले एकदम सूझबूझ खो के मई बदहोश हवास में एकदम चला जात रही। कौन होश ना मई, मई उतना अच्छा भइल कि हम सही समय पर पहुंच गई, न तो पता नहीं मई आज का हुई। पर माई हम उनका के बहुत रोके कोशिश करी, बहुत समझावे कोशिश करी, रितु जी कुछ भी बोलत रही और बोलत बोलत बेहोश हो गई। माई माई तो हम लोग चिंता मत कर चले, हम डॉक्टर साहब के फोन के लिए बनी वो आते हुए। तू ठीक कैला डॉक्टर के बुला के, एक तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगत। माई चाची कहाँ बड़ी लौकत नहीं की? जानता नहीं वो खीसी आई हुई। देखा ना रितु जी के जोहत के चक्कर में हम उनकर सही से बात भी ना कर पाए। रुका हम जाते उनकर लेके आओ। तो ढूंढे के कोनो जरूरत नहीं है, तो हर चाची अपन मायके गेल बाड़ी। ठीक है